किस लेवल की गाड़ी चला रही है। This is the barati number 2. ये पे सियापा number 2 ये हुआ हम लोगों के साथ. Our first event of the wedding. वेलकम टू माई चैनल। तो आज स्टार्ट करी हूँ मैं एक और व्लॉग्स। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज परसों से हमारे यहाँ मेहंदी स्टार्ट हो जाएगी। इसके पहले भी मेरा एक व्लॉग कल चला जाएगा। कल है 25th एंड तो बेसिकली हमारे जो फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं वो 26th से हो रहे हैं, रात से। इसकी जो बैचलर पार्टी है वो होने वाली है 26th को। फिर उसके बाद एक दो और छोटे मोटे फंक्शंस घर में होंगे एंड और साथ में मेहंदी होगी। उसके बाद 27 को हम वेन्यू में निकल जाएंगे। तो अभी क्योंकि हम लोग वेन्यू में जा रहे हैं तो मेरी सारी जो भी पैकिंग है वो सब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दो हमारे घर से वो काफी पास है बट स्टिल बार बार भागा दौड़ी नहीं हो उसके लिए मैं सब कुछ चाहती हूँ कि सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज रहे, मेकअप से लेकर के ज्वेलरी वूलरी सब कुछ। तो वही सारी चीजें अभी मैं पैक करने वाली हूँ। एक्स्ट्रा 2-3 सूट्स रख लूंगी, एक दो नाइट सूट्स रख लूंगी ताकि रात वात में पहनने के लिए, और दिन भर में पहनने के लिए भी हल्के फुल्के एक आध सूट रखूंगी मैं। और अब जो भी फंक्शंस होंगे वो सब मैं आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर करूंगी। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। दिस इज व्हाट आई एम कीपिंग इन माय बैग। सो दिस इज माय संगीत ड्रेस, दैट्स माय फेरा ड्रेस, माय गणेश पूजन पोशाक, दिस मामेरा ड्रेस, हल्दी ड्रेस, देन ऐसे ही कैजुअल सूट। अगेन दिस इज़ अ ब्यूटिफुल W का गरारा सेट है, ये देखती हूँ मैं किसी दिन पहनूंगी, मैंने डिसाइड नहीं किया बट मैं रख रही हूँ। दिस इज़ द साड़ी विच जो कि मुझे बिक्की की नानी जी की तरफ से मिलेगी। तो एंड दिस इज़ अ लहंगा ड्रेस मेरे मॉम डैड मुझे देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी फटाफट से रख लेती हूँ। फेस वॉश और कोम मुझे रखना है, बाकी सब कुछ मैंने पैक कर लिया है। फुटवेयर में वही एक ही पहन करके जाऊंगी। सो यस, दिस इज माय ओके गाइस, पैकिंग इज डन। थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें बची हैं और अब टाइम आ गया है डांस प्रैक्टिस का। विक्की और मेरे दो सॉन्ग्स हैं और जो लास्ट वाला सॉन्ग है इसमें टीनू, सैम, मैं और विक्की हम चारों करने वाले हैं। उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है कि उसका क्या होने वाला है, बट फाइनली मैं और विक्की ने एक सॉन्ग हमारा रेडी हो चुका है। विक्की हैज़ डन अमेजिंगली गुड जॉब बिकॉज उसने बिल्कुल भी कभी डांस नहीं किया है तो वो स्टेज परफॉर्मेंस करने वाला है फर्स्ट टाइम इन लाइफ। फिर नहीं, स्कूल वाला तो इज नेग्लिजिबल, मतलब ठीक है स्कूल में गया बट 3 महीने प्रैक्टिस करी थी। चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम नहीं है, सेकंड टाइम इन लाइफ। ठीक है, सेकंड टाइम करने वाला है वो। खुद की शादी में भी इसे औरत ने करवाया था। आपने अपनी खुद की शादी में तो क्या कचरा किया था इसने, कि वो तो बोलो ही मत, वो तो बिल्कुल मेरी खुद की शादी में, मतलब हमारी खुद की शादी में इस औरत ने डांस कराया था। इस बार हम दोनों डांस कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, हम दोनों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अच्छा रहता है, डांस करना चाहिए। ओह लुक हु इज सेइंग, फर्स्ट स्टेप आएगी, सबको नचाओ नच नच के दिखाओ, आ मुझको गले से लगा ऐसे। हाँ ठीक है, ठीक है, हम ऐसे ऐसे कर लेंगे। नहीं फिर वो अजीब बच्चों जैसा लगता है। फिर तो हम हमारे पैर हिलते ही नहीं, हम क्या करें, पैर हिलाना ही नहीं है, फिर क्या करना है। सबको नचाओ नच नच के दिखाओ, ये तो कर सकते हो, ये मुझको गले से लगा, बस एक बार एटीट्यूड, आ मुझको गले से लगा, मारो स्टाइल मारो। हमारे से स्टाइल पढ़ती होती तो बात ही क्या थी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज का अपडेट ये है कि अभी टीनू और हम लोग डांस की एक प्रैक्टिस करके आए हैं। तो यूजुअली क्या होता है ना, जैसे टीनू कैसे सॉन्ग्स करती है, ब्राइड्स कैसे सॉन्ग्स करती है, एकदम ऐसे थोड़े डेलिकेट से सॉन्ग एंड प्यारे प्यारे से सॉन्ग्स होते हैं, धीरे धीरे मटकती है। आप लोग टीनू का गाना गेस करो, अभी का नहीं है, 90s का सॉन्ग है।
और उसमें तो मतलब वो तो पता नहीं क्या करने वाली है, वो तो करेगी फाड़ू करने वाली है, और मैं जो चिल्लाने वाली हूँ ना उसमें कि मजा आ गया, फूडिंग करूंगी तो भयंकर तरीके से चिल्लाने वाली हूँ, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। उसका हो सकता है कि मैं अलग से वीडियो डालूंगी, विक्कर हमारा अलग से डांस वीडियो डालूंगी, सबके अलग 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 डालेंगे, बहुत सारे वीडियो डालेंगे भाई, इतने वीडियो बनाएंगे। तो मैं पिछले एक हफ्ते से जूस बना रही हूँ डेली, टीनू के लिए बनाती हूँ, मेरे लिए बनाती हूँ, मेरी मदर इन लॉ पीती नहीं है, उनको सर्दी का इशू है, थोड़ा सा दो घूट विक्की पीता है, और अभी हमारे यहाँ मेरी बुआ सास आई हैं तो उनके लिए बना रही हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ गाजर, दिस इज चुकंदर एंड टू एप्पल्स, तो इसका जूस बनाएंगे। देखो भाई ये कैसी बहन की शादी की तैयारी हो रही है, क्या कर रहे हो? योगा। तो आई जस्ट टुक शावर एंड एवरीथिंग, और अभी मैं एकदम प्रॉपर ऐसे बहू बहू अवतार में रेडी हो गई हूँ, बिकॉज अभी तो मैंने नॉर्मल कुर्ता एंड वो पहना हुआ है बॉटम्स, क्योंकि अभी हम लोगों के यहाँ जो गांव है वहाँ से गेस्ट आने वाले हैं, एंड एक दो और गेस्ट आने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा ट्रेडिशनल में लोअर टी शर्ट में अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसलिए इसमें रेडी हो गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर अपडेट लेने के लिए। ओके, तो ये हम लोगों के आप फर्स्ट पूजा हुई थी, जो कि भुआ जी और जो मेरी मदर इन लॉ है उन लोगों ने करा था, एंड ये कुछ उन्होंने बनाया था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, आई थिंक गौरी जी और शंकर जी ऐसे कुछ पूजा थी इनकी, गणेश शंकर और गौरी ऐसे ये सब बनाया हुआ था उन्होंने, भगवान बनाए थे और उनकी पूजा करी थी। तो दिस इज़ द फर्स्ट पूजन जो हमारे घर में हुई है, मतलब दिस इज़ द इनिशिएशन ऑफ मैरिज, अब हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं, ये वो था। ओके गाइज, तो मैं आई थिंक आप लोगों से अभी मिल रही हूँ, तो मैं कोशिश करी हूँ कि सारी चीज़ें ले सकूँ, जैसे अभी आपने इससे पहले जो क्लिपिंग देखा वो हमारे यहाँ एक रस्म हुई थी, स्टार्टिंग पूजा ऑफ गणेश गौरी को हम लोगों ने पूजा करा था, वो गणेश जी और गौरी जी थे, तो वो पूजा हुआ है, एंड अभी टीनू और हम दोनों, टीनू भी गई है 2 मिनट के लिए, बिकॉज कल सारे जो लड़के वाले हैं वो आ जाएंगे, टीनू के सारे फ्रेंड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड हाँ मोस्टली फ्रेंड्स जिसके सारे 20 या 25 फ्रेंड्स आ रहे हैं, जिसमें से कुछ की फ्लाइट कल है, कुछ एक आधी 27 को आ रहे हैं, बाकी सब कल आ जाएंगे, कल 26 है, आज 25 है, एंड कल ही टीनू की मेहंदी है शाम को, और इन लोगों की कॉकटेल पार्टी भी है जो इन बैचलर्स वगैरह, बैचलर पार्टी जिसको बोलते हैं वो है, एंड 27 को संगीत एंड बाकी सारे प्रोग्राम्स है। तो ये हमारी मतलब मुझे लगता है अपन शादी के एक दिन पहले तक, नहीं शादी कल के एक दिन पहले तक भी जाने वाले हैं बाहर, सही में निकल रहा हूँ, खुद ही निकल रही है, हाँ हम लोग सब निकल, मतलब जो भी छोटे मोटे काम है वो सब कर ही रहे हैं, मैनेज कर ही रही है ये, तो अभी हम लोग जा रहे हैं और छोटे मोटे जो काम है, जो जहाँ पर कल आने वाले हैं लड़के वाले, वो होटल चेक करने के लिए, राइट? ओके गाइस, तो ये हम लोगों का होटल है जिसमें फ्रेंड्स लोग रुक रहे हैं, टीनू के सारे फ्रेंड्स, एंड यहीं पर सब पार्टी वाड़ी जो भी होना है वो इन लोगों का होगा, एंड हमारा जो वेडिंग वेन्यू है वो अलग है, तो सब अलग अलग जगहों पर रुकवा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लोग को एक ही जगह पे थोड़ा है ना, तो वेडिंग वेन्यू अलग है, वहाँ हम लोग 27 को इस मॉर्निंग में जाएंगे। ओके, सो होटल रूम्स चेक हो गए हैं, कल सब आ जाएंगे, आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड का हाँ यार कैसे बोल रही है भाई, थक गई है एक्चुअली। नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है बुटीक, तो हम लोग लिटरली वेडिंग के आई थिंक 1 या 2 दिन पहले तक चक्कर मारे हैं ब्लाउजेस के लिए। ओके गाइस, तो अब हम लोग आए हैं खाना वाना खा करके, जो टीनू की फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है उसके घर पे, तो वो ही इसका मेकअप करने वाली है, हर नेम इज आशिमा, उसका पेज है, अभी मैं मिलवाती हूँ उससे आप लोगों को, इफ़ यू आर इन भोपाल और आपको मेकअप वगैरह कुछ ट्राई करना है ना, तो यू कैन कॉन्टेक्ट हर, शी इज़ अमेजिंग। एवरीवन गुड मॉर्निंग, तो आज से मेन शादी इवेंट स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज से ही बोलेंगे, तो आज है एक तो कॉकटेल पार्टी है इन लोगों की,
बैचलर पार्टी जो होती है वो होने वाली है. उसके बाद फिर वही मिट्टी वाला प्रोग्राम है एंड लास्ट शीतला माता की पूजा है एंड उसके सबसे लास्ट में हम लोग मेहंदी रखवाने वाले हैं. क्योंकि मैंने टीनू को पहले ही बोल दिया था कि मेहंदी लगवाने के बाद तू कहीं तेरे को अलाउ नहीं करेंगे जाना, इसलिए तू पहले सब अपना निपटा लेना, उसके बाद आराम से रात में बैठ करके बाकी सबको मेहंदी लगवा देंगे. हम दोनों बचेंगे तो हम दोनों रात में लगवा लेंगे. पहले हमारा ये था कि कल वेन्यू में जा करके पूरा वो डेकोर वेकोर में लगवाते, बट द थिंग इज़ कि कल मैं चाहती हूँ कि वो भी फ्री रहे, मैं भी फ्री रहूँ, ताकि हमारे जो गेस्ट वगैरह आएंगे, हम सबके फ्रेंड्स आएंगे और उन लोगों को रुकवाना उकवाना ये सारी चीज़ें और सब आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं तो बिल्कुल ही फ्री रहना चाहती हूँ. और सेम उसका भी लॉजिक है कि यार फ्री रहना है अपन को, तो घर वाले हम लोग आज लगवा लेंगे, बाकी कल वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे मेहंदी के लिए, ताकि लड़के वगैरह को लगेगी. तो आजकल लड़के क्या ही लगवाते हैं, ज़रा सा डॉट वॉट रखवा लेगा वो तो, मुझे लगता है सैम भी. एंड वॉट एल्स, बस आज का यही प्रोग्राम है. कल का व्लॉग हम नया स्टार्ट करेंगे, तो कल हम लोग सुबह सुबह वहाँ पर पहुँच भी जाएंगे. एंड टीनू का जो ट्रायल्स था, हेयर स्टाइल ट्रायल, वो हो चुका है कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है. एंड इंस्टाग्राम पे मैं उसका लिंक डालूंगी, आशिमा का जो उसका पेज है. इफ़ यू आर लिविंग इन भोपाल यू कैन डेफिनेटली बुक हर, शी इज़ अमेजिंग. बहुत अच्छा मेकअप करती है, ऐसा मेकअप नहीं करती है कि आपका मेकअप मेकअप दिखता है, जितना जरूरी होता है ना, बहुत थोपा थोप देते हैं ब्राइड्स को, उसका मेकअप ऐसा नहीं होता है. एंड विक्की अभी जाने वाला है, जो हमारे लड़के वाले आ रहे हैं, दूल्हे लोग जो हमारे लड़के वाले आ रहे हैं, ग्रूम की फैमिली, वो सब अभी आ जाएंगे, तो उनको लेने के लिए एयरपोर्ट निकल रहा है. तो वो पहले मेरा मन था कि मैं भी जाऊं, बट एक्चुअली दो ही गाड़ियां जा रही हैं, उन लोगों का सामान भी होगा और वो लोग टोटल 7 लोग हैं. जो बाकी के 5 लोग हैं वो अलग से आ रहे हैं, तो वो टीनू का बेस्ट फ्रेंड, जो टीनू का फ्रेंड है हिमांशु, वो उनको पिक करने के लिए जा रहा है. सब अलग अलग पिक करने के लिए सबको जा रहे हैं, बाकी जो फ्रेंड्स वेंड्स उनके साथ इतनी फॉर्मेलिटी लगती नहीं है, वो लोग तो सब आ जाएंगे अपने अकॉर्डिंग. एंड कल से मैंने एक अलग से वीडियोग्राफर रख लिया है, बिकॉज मैं बिजी रहूँगी पूजा वगैरह में, तो मैं वो पूरा हैंडल करेगा मेरा व्लॉगिंग, ताकि सब चीज़ें ले सके वो. तो यस, हाय एवरीवन. तो आपने जैसे कि ब्लॉग की शुरुआत बहुत एकदम सटल वे में देखी थी कि हम लोग आराम से उठे हैं और धीरे धीरे काम कर रहे हैं. आज हमारे यहाँ मेहंदी कॉकटेल पार्टी और माटी वाटी जो भी पूजन होने वाली है वो सारी चीजें हैं. तीनों ने अचानक, मैं उसको जूस पिला रही थी और ये मुझे बोलती है तू फ्री है बैठ जा गाड़ी में बैठ जा, और मैं बैठ गई. मुझे लगा शायद इसको तीनों देखना, बापरे, मुझे लगा कि इसको शायद वो तेरे को, मुझे क्या लगा तू प्रिंट के लिए, फोटो प्रिंट के लिए बोल रही है. मैं बढ़िया बैठ गई, मैंने कहा चलो आते हैं 5 मिनट में. मैंने बोला जा कर रहे, इसके एक्चुअली इसका एक फ्रेंड है वो पिकअप करने वाला था, इसके एक और इन लॉज की फैमिली में एक और आ रहे हैं उन लोगों को. मैंने बताया ना दो लोकेशन पे, एक में विक्की के और एक में इसका फ्रेंड जाने वाला है. तो गलती सबसे हो गई कि वो उठ नहीं पाया, और अभी हम लोग, जैसे इसने मुझे बताया कि अपन पुलकित की मॉम डैड और उनकी फैमिली को लेने जा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ये तो चलो ठीक है, तो दुल्हन है हमारी ठीक है, और मैं भी ऐसी हालत में, बाप रे बाप, फर्स्ट टाइम उनको मिलने के लिए जा रही हूँ. तो हम लोग हंस रहे थे लिटरली, और इस तीनों इस लेवल की गाड़ी चला रही है, दो यहाँ से लेफ्ट ले लेना ठीक है, इस लेवल के भाग रहे हम लोग की, मतलब कॉमेडी, मतलब आप सोचो 2 दिन में इस लड़की की शादी है भाई, ऐसी दुल्हन की देखी है. ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन, और ये है रानी कमलापति, कमलावती है या कमलापति है, अभी चेंज हुआ है इसका नाम, ये हबीबगंज स्टेशन है. एंड लिटरली मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इस स्टेशन को अभी. ये आई थिंक एशिया का या पता नहीं कहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्टेस्ट स्टेशन रहने वाला है, इंडिया का तो बेस्टेस्ट रहने वाला है, बिकॉज ऐसा रेलवे स्टेशन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है, जो घूमे उन्होंने भी नहीं देखा है. दिस इज़ लुकिंग लाइक एयरपोर्ट, इवन ये भोपाल को हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे भी ज़्यादा बेस्ट बना है, इतना शानदार है. अनाउंसमेंट, सियापा नंबर 2 ये हुआ हम लोगों के साथ कि वॉलेट नहीं लेकर के आए. मतलब थैंकफुली मैं अपने जो मोबाइल का जो बैक कवर होता है ना उसमें पैसे रखती हूँ थोड़े से, तो 100 रुपये निकल गए तो हम बच गए, अदरवाइज आज तो हम लोगों की वाट पे वाट लगनी थी. जो बराती नंबर 2, बराती नंबर 1 को पिक कर लिया गया है, नाउ दिस इज द बराती नंबर 2. ये पे आ गए भाई. ओके गाइज, तो वी आर रेडी फॉर आवर फर्स्ट इवेंट ऑफ द वेडिंग, है ना, फर्स्ट या सेकेंड है, फर्स्ट ही है ना. सो बेसिकली ये है माता पूजन. नमः.
तो ये जो हैवी सी पिंक साड़ी पहनी है बनारसी टीनू, ये मेरी मदर इन लॉ की साड़ी है, 35 ईयर्स ओल्ड है, उनकी शादी के टाइम की है ये। और जो मैं साड़ी पहनी हुई हूँ ब्यूटीफुल सी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे इसके लिए भी मेरे पास, तो ये भी अगेन मेरी मदर इन लॉ की, हम दोनों ने वही साड़ी पहनी थी उनकी ही। देवाय तस्मै नमः मंगलाय स्तनो हरः घंटा बजा दे नहीं भाई सो रहे बेचारे अब जग गए शाम हो गई नहीं कोरोना चल रहा है